ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಾಲವ ದೇವರಿಗೆ ಹೂ ಹೂಡಿಕೆ ದೇಗಾರ ದೇಗಾರ ಅಯ್ಯೋ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂಕಿ ದರಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾದ ಕಿ ಮಾತಿ ಕೆ ಮುರಿತಿ बॉम्बे में उतना ठंडा नहीं खेले जी, बहुत ठंडा बा। बिहारों में तो मार देता तो केचुरे छोड़ देता जी। अब के हम करें एगो सिनेमा शूट करे बाप जी, हम और रितु सिंह एगो हीरोइन बड़ी रोलों की जानत हो कब कि लगा के फेर उनके संग एगो सिनेमा लमर बाप जी मने डायलॉग बोले खाती आधा कमर ओढ़ के बोले के पड़त स्थिति वाले के हो जी ठीक ठाक ठंडा बा, मजा आवता ठंडा में। हमने के ये न पहचान का हो भाई ठंडा में मन। अच्छा कितना लोग के जी मेहरारू बिया कितना लोग के नहीं खेत हाथ उठेगा जेकर बिया वो उठाओ जेकर बिया वो जल्दी से घरे पहुंचा दे। ऐसे जी जी 90% लोग के नहीं खे पहुंचा देना तब देखते हैं जो गजने बतरा मेहरान का लौ जाई कह के घोज यहां सही कि माटी के मूर्ति से तकली मुस्काई के इतना बढ़िया कुर्सी लगा हुआ, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए इधर भी बैठ जाइए मित्रों बैठ जाओ। कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग बैठने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। कि मैं जानता हूं कि बिहार यूपी के लोग कर्मठ लोग होते हैं, मेहनत करना दौड़ना भागना खड़ा होना अपने आप को स्टैंड करना पसंद है आप सबको। लेकिन जब व्यवस्था हो तो व्यवस्था की धजिया उड़ाने की क्या जरूरत है। इतना बढ़िया कुर्सी लगा है, कुर्सी का पैसा दिया है तो कुर्सी का लुफ्त उठाइएगा। फिर परसों से तो लेबरई कर रही के बा काल भर छुट्टी बा नू आज छुट्टी है कि काल हो काल हो बा तो कल कहीं डकैती डाले जब लोग तो कल छुट्टी बा तो मजा ली लो घर में जगह बिहार बा वही में गुजरात बा सिस्टम बन बा तब फ्रूटी घिचाइए जाता कि अच्छा बेहर thank you.
अरे मिले माता रानी घरों का छोड़ा था तो पैसा पकड़ के ठूस दीजिए लोकल नहीं है तू तो सही समझती इसके गलत साबित कर दे हसला से ढेर काम का बड़ा यूज आएगा उसको ठीक से ठूसिए ना देखिए कोई छेद होगा उसमें मैंने बिना छेद के बॉक्स होला तू लोग का साबित कर जाता है खेसरिये गलत बोलता है हाँ अब ठीक है अब ठीक है देखिए हाँ उसका छेदा को थोड़ा सा देख लीजिएगा इधर उधर ना हो कि यहाँ की खाती है पानी खाती ऐसे हो सकता है क्या थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे ना तो जब मैं पीछे जा रहा हूँ ना तो मुझे आउटपुट मिलेगा वो ऊपर लेके जा रहा तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे कि मैया सभा के दर्शन देली मनहर साई के और कभी भी कोई स्टेज अगर इस टाइप से बने तो दो मॉनिटर यहाँ रखिएगा क्योंकि उसमें होता है कि आगे कार्य कर रहे हैं कलाकार आ गया था तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है पीछे जाने में कि मैया सभा के दर्शन देली मनहर साई के बारिश बाबू जय बा पेशाब करे जय बा का बड़ा तरह ढेर तू एक हाँ एक्चुअली बॉम्बे में रह लाई 24 घंटा वाला हो तो गुजरात में अलबा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बा तो जल्द वो मारे ला ना तले ओकर हाथ हवे ना चले कुछ लोग के होला प्रॉब्लम यही के चलते एक चार गो मेहरारू छोड़ के भाग गई सब का बेटा अरे बेटा खुश रहिए खुश रहिए माई कहा भैया माई आई है प्रणाम बोलना मेरा हाँ बोलो जल्दी इसे एक तुम्हारे जैसा बेटा भी खींच के जल्दी बाहर कर दे अरे तुम हौसत कहा पड़ गया तू अच्छी बात है ना बेटा आ जाएगा तो कम से कम एगो सवांग आ जाई हमारा खाती आई गाना लिखल मानिए दिनेश लाल यादव निरहुआ के बड़ भाई हमरो बड़ भाई जेकर नाम प्यारे लाल कभी वहां के लास्ट में लिखा नहीं कि जब से बैठली मैया अरे आके पंडाल में अजीब के मुरझा देखा अरे बड़े प्यारे लाल में कि जब से जीवन में हम कहला गेला के सबसे खुश नसीब हमें धरती के आदमी बानी ऐसे जो हमारे कोनो औकात ही ना रहे दूध में आधा लीटर चाचा जैसे दूसरा के दे दिए तो हम दो पग पानी मिला दी
हम दूध बेचने वाले आदमी थे, लिट्टी चोखा जूठा कम से कम मुझे लगता है जी मैं हजारों लोगों को नहीं कम से कम 5,000 लोगों का जूठा धोया हूं। लिट्टी चोखा रोड पे बेचता था, मेरी कोई औकात ही नहीं थी, लेकिन आज आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद, मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया नहीं पूरी धरती की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ। एक मेरा गाना हिट हुआ था, सबने जाना होगा कि सब कड़े से हुए हैं फरारिया बच्चा पड़ा लवट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग है बिताएंगे। ठीक है, इस गाने की वजह से पूरे वर्ल्ड में मैं चौथा आदमी हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में चौथा ऐसा आदमी हूं जो पूरे यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च होता हूं, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, तू लोग करे लो। खेसरिया के एक बार में कम से कम 10 बेर 20 बेर 25 बेर 200 बेर सुने ला तब लोग खेसरिया वर्ल्ड में फेमस भेल बा। तो ये आपकी योगदान है, बट मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं बिग बॉस का सफर तय किया, तो सिर्फ आपकी मेहनत और आपके प्यार और आपके बदौलत, नहीं तो हर आदमी मेहनत करता है, डेली तो आप भी मेहनत करते ही है, ऐसा थोड़ी है कि खेसारी लाल यादव ही बहुत मेहनत करता है, नहीं, आपकी मेहनत और आपकी बदौलत आज खेसारी लाल यादव पूरी दुनिया का राजा बना हुआ है, तो मेरा कोई योगदान नहीं, आप चाहे हैं तो खेसरिया इतना बड़ा बना है। सलमान खान बोले कि खेसारी आप बिग बॉस में आए हो, आप कुछ करते क्यों नहीं हो, मैंने बोला अगर माँ के गाली देना ही कुछ करना है तो सॉरी सर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर प्याज पे लड़ाई करना ही अगर कुछ करना है तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर रोटी चुरा के खाना हो अगर ये कुछ करना है तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 वक्त की रोटी नहीं मैं 4 वक्त की रोटी भूखे सोया हूं मोतिहारी शहर में। मोतिहारी के कितने लोग यहां होंगे, पिपरा कोठी जान तरह लो ना, पिपरा कोठी पर हम 4 दिन उपास सुतल बनी जब हमार कोनो औकात ना रहे था। एगो रिंकू नाम के जी कैसेट विक्रेता रहले, उकरा बंच पर कम से कम हम 4 दिन बिना खेले 4 दिन सुतल बनी। तो मैं खाने के लिए लड़ाई नहीं कर सकता, अपने माँ की गाली सुनकर और किसी के माँ के गाली देकर मैं बड़ा नहीं बन सकता, मैं बाहर बहुत आजाद हूं। अच्छा ही बताओ लो कि फिर 1 साल बाद तो 14 को लोगों हमें घुसबे करी, फिर वह करी हंस जो लीलो करी, तो वो कहने के लगे कौनो काम नहीं के हमारा लगे 22-25 गो फिल्म रहा हम ऐसे भाग नहीं है, यानी कि भाई हमारी दुनिया है जो हमने अपने माँ बहन की इज्जत की है, हम लोगों की माँ बहन की इज्जत करते हैं, हमारे संस्कार में हमारे हिंदुस्तान के संस्कार में ऐसा है, जिनको किसी के माँ के गाली देकर खुद को बड़ा करना है सलमान सर वो करे, मुझे नहीं करना है। जिस दिन मैं निकला उसके अगले दिन सलमान सर के मुंह से ये निकला कि एक सज्जन आदमी इस घर से निकल गया, क्या योगदान देता, तुम लोग कुत्ते की तरह लड़ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक इतना बड़ा स्टार के मुंह से ये निकला कि एक भोजपुरी का सज्जन आदमी, सज्जन मतलब समझते हो बोलो, सीधा आदमी, लेकिन उनका पता नहीं कि हम कतना सीधा हो। अब जी गैला के बाद का करी आदमी, इंटरनेशनल चैनल पर दुनिया बोलती है कि भोजपुरी अश्लील बोलता है, भोजपुरी अश्लील करता है, लेकिन उस इंटरनेशनल चैनल पर कौन अश्लील करता है आप सबने देखा होगा, आपका भाई अगर किसी के माँ को गाली नहीं दिया तो अश्लील है। आई लव यू कि खेसरिया सभी को छिप वाला से देवी भजनिया गाही के कि ये जब है रूप पे सुहावन लगे We'll be right back.
को ना छे हम हेने बने तोरी के होने लव यू लव यू। वारा से भाई के तरफ से बहुत पुरस्कार है, आशीर्वाद करो। कम बैक टू ही इधर आओ। तू पियर हम हूँ पियर, काम करो ना रह तो मत करो। का नाम हो? अमृता सिंह। एक बार इनको प्रणाम करिए। हम हो गए। कितनी अच्छी आपकी प्रणाम है। काम आया है ना? काम ही है। कहाँ ढूंढा बा? क्या नाम है आपका? संजना चौहान। एक बार प्रणाम करिए इनको। क्या खजूरी चौला की तरफ प्रणाम करिए। कम तू क्या खराब हूँ राकेश हनुकेश। का नाम हो? नेहा सिंह। नेहा एक बार प्रणाम कर लो। वाह कितनी संस्कारिक बच्ची है। तेरी जी खड़ा रहो संस्कारी खाई भाई। तेरी जी खड़ा रहो। तू है नहीं आओ। तू ये जी क्या करे तेरे को है रेड लाइट पर कहे ने को खड़ा हो जा। तेरे के देख के कितना मोटरसाइकिल पासे ना हो। क्या नाम है आपका? राधा सिंह। राधा आई एम कृष्णा। चलो ना तेरे को काम कर जाओ। ये लोरी ने गावत बजाओ तो तेरे हनी को ने बांसुरी बजा दी है जा। कितना तर लोग मजा आवे सफा खाता में हम लोग। कहाँ से हैं आप राधा जी? इलाहाबाद से। इलाहाबाद